लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं हूं अंशु। खबर रसला से है, जहां कमतेला पंचायत भवन के उद्घाटन में जिला प्रभारी एवं मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। कहा कि ओवैसी एवं ओम प्रकाश राजभर समाज के दुश्मन हैं, महाराजा सुहेल देव को धोखा देने वाले हैं, उनके नाम पार्टी बनाकर और सैयद सलाद गाजी के औलादों से हाथ मिलाने वाले लोग हैं। इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो राजभर समाज गुमराह होने वाला नहीं है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा, सैयद सलाह के पहली औलाद मुख्तार अंसारी एवं अफजल अंसारी से हाथ मिला चुके हैं। दिखाते हैं पुलिस विस्तार से। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा, सैयद सलाह के पहले औलाद मुख्तार अंसारी एवं अफजल अंसारी से हाथ मिला चुके हैं, दूसरी सैयद सलाह गाजी की दूसरी औलाद ओवैसी से हाथ मिलाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से राजभरों को गुमराह करने में लगे, जो राजभर समाज गुमराह होने वाला नहीं है। राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर द्वारा ताड़ी से कोरोना भगाने पर बताया, ये बसपा की संस्कृति ही है। प्रदेश में योगी एवं मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में सभी लोगों का विकास हो रहा है। पलिया से संवाददाता आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। वैसी हमारे साथ आ गए, इस वजह से जो है बीजेपी और सारी पार्टियां बौखला रही हैं। ये सब समाज के दुश्मन हैं, महाराजा सुहेलदेव को धोखा देने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर और सैयद सलार गाजी की औलादों से ये हाथ मिलाने वाले लोग हैं। इनका चेहरा बेनकाब हो गया है, न इनको समाज से कुछ लेना देना है, न महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से कुछ लेना देना है। पहले भी सैयद सलार गाजी के दूसरी औलाद मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी के साथ भी ये राजनीति कर चुके हैं, और आज सैयद सलार गाजी के दूसरी औलाद सैयद ओवैसी के साथ ये हाथ मिलाकर और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से राजभरों को गुमराह करना चाहते हैं। राजभर अब गुमराह होने वाला नहीं है। राजभर कमल निशान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है, भाजपा के साथ चट्टान की तरह। भीम राजभर इसी विधानसभा में राजभरों को ताड़ी पीने की सलाह दे दी, उनका ताड़ी पीजिए ये गंगा जल से कोरोना से बचे। ये बसपा का संस्कार है, ये बसपा बहुजन समाज पार्टी की संस्कृति है। इस तरह के नेता समाज को भी कलंकित करते हैं और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले, पैजामा कुर्ता पहनकर खादी पहनकर समाज की सेवा करने वाले जो सम्मानित नेता हैं, उनका भी चेहरा दागदार करने का ऐसे लोग काम करते हैं। अंतिम एक सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी का है कि मोदी जी कोरोना के नाम। तो फिलहाल की हम खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यही खत्म नहीं होगा। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।